ऐसे चार संकेत जो अगर आपको मिल जाए दिवाली की रात या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ दिन में, तो दोस्तों आप समझिए कि आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, अब आप धनवान या अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दिवाली आने वाला है और कोई ना कोई शुभ मुहूर्त तो चलता ही रहता है। और आपको बता दें कि दिवाली के दिन हम सभी अपने अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाने की कामना करते हैं। इसके अलावा यदि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है या कोई भी शुभ मुहूर्त है जो आने वाला है, इस पर भी हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि माँ लक्ष्मी धन का प्रतीक मानी जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर परिवार में संपत्ति और धन की कमी कभी भी नहीं रहती है। इस बार यह शुभ मुहूर्त आने वाला है जैसे आप सभी बखूबी जानते हैं, और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है कि यदि इस दिन सामान्य से कुछ अलग घटना होती है तो आपकी दिवाली या फिर आपका कोई भी शुभ दिन जो आप पूजा करने वाले हैं तो वह आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिल सकती है। ऐसी मान्यता है कि यदि दिवाली की रात आपको कुछ संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं दिवाली की रात मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में। पहला संकेत, दिवाली की रात बिल्ली का दिखाई देना। यूं तो कई लोग बिल्ली को घर में आने से पहले ही भगा दिया करते हैं, मगर आपको बता दें कि अगर आपने दिवाली की रात भी ऐसा किया या फिर आती हुई बिल्ली को घर में आने से पहले ही भगा दिया तो समझ लीजिए कि आपने माँ लक्ष्मी को अपने घर में से भगा दिया। असल में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली की रात यदि आपके घर में बिल्ली आती है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर बिल्ली घर में आकर दूध पी जाती है तो इसे माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि वे आपके घर में भोग लगा कर जाती है। दूसरा संकेत दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है, और दूसरा संकेत है दिवाली की रात छचुंदर का दिखाई देना। आपने देखा होगा कि कई घरों में लोग शिकायत रहती है कि उनके घर में छचुंदर ने परेशान कर रखा है। असल में यह एक छुपकर रहने वाला जीव है जो आमतौर पर किसी का नुकसान तो नहीं करता, मगर यह किसी को भी पसंद नहीं आता। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भी अगर आपको दिवाली के पर्व पर छचुंदर दिखाई दे जाता है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को छचुंदर दिख गया उसके जीवन से कभी भी माँ लक्ष्मी निराश नहीं होती है। कहा जाता है कि यदि रात में छचुंदर दिख जाए तो आपको आर्थिक फायदा जरूर होगा। तीसरा संकेत है दिवाली की रात उल्लू का दिखाई देना। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि नवरात्रि के साथ साथ दिवाली की रात में भी उल्लू का दिखाई देना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, और ऐसे में उल्लू का दिखाई देना यानी कि स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा बरसना। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन उल्लू दिखे तो भूल से भी उसे चोट ना पहुंचाएं, तथा संकेत है। चौथा संकेत है छिपकली का दिखाई देना। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि सामान्य दिनों में हर घर में छिपकली दिखाई देने को मिलती है, मगर ऐसा भी होता है कि दिवाली के दिन घर पर छिपकली दिखे, और अगर आपके घर में दिवाली वाले दिन छिपकली दिखाई दे जाती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार छिपकली के दिखाई देने से पैसे की तंगी, कर्जा, गरीबी, दुख, दर्द आदि सब दूर हो जाते हैं, और घर में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वाहन सुख, स्त्री सुख और आपके अन्य प्रकार की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से आपका घर हमेशा के लिए संपन्न हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में चारों दिशाओं से आपके पास पैसा आने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दम इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी या फिर जय बजरंगबली। धन्यवाद दोस्तों, और अपना राशिफल जरूर देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष स्थान है और इस दौरान लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करके भी अपने घर के लिए सुख और समृद्धि मांगते हैं, और इस दौरान वे बहुत ही सतर्क रहकर पूजा करते हैं। आज हम आपको दिवाली की पूजा में कौन सी 12 चीजें शामिल करने से घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दीपावली के लिए सामान्य पूजा सामग्री और दीपक, प्रसाद, कुमकुम, फल और फूल शामिल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा 12 चीजें ऐसी भी हैं जिसे दिवाली की पूजा में शामिल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन 12 चीजों के बारे में। पहली चीज है खीर।
दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में मिठाई के साथ ही घर में बनी खीर भी रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खीर लक्ष्मी जी का प्रिय व्यंजन है, इसलिए प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखनी चाहिए। दूसरी चीज है बंदरवार। पीपल और अशोक के नए कोमल पत्तों की माला को बंदरवार कहा जाता है। इसे दिवाली पर मुख्य द्वार पर बांधना चाहिए। इस संबंध में मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को इसकी महक से बहुत प्यार होता है, इसलिए वे आकर्षित होकर के आपके घर में प्रवेश करते हैं। तीसरी चीज है महालक्ष्मी का एक रूप गजलक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी का एक रूप गजलक्ष्मी भी है और इस रूप में वह ऐरावत हाथी पर सवार दिखाई देती है। लक्ष्मी के ऐरावत हाथी की प्रिय खाद्य सामग्री गन्ना है। दिवाली के दिन पूजा में गन्ना रखने से ऐरावत प्रसन्न होते हैं और ऐरावत की प्रसन्नता से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चौथी चीज है पीली कौड़ी। लक्ष्मी पूजा की थाली में पीली कौड़ी रखने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। पीली कौड़ी रखने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। यह पीली कौड़ियां धन और श्री यानी कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। पूजा के बाद इनको अपनी तिजोरी में रखने से लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके व्यवसाय पर बनी रहती है। पांचवी चीज है पान। दिवाली की पूजा के लिए पान बहुत ही शुभ माना जाता है और अत्यंत ही जरूरी भी है। पान खाने पर जिस प्रकार हमारे पेट की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र को मदद मिलती है, ठीक उसी प्रकार से पूजा में इसे शामिल करने से या पूजा में इसको पूजा में सामने रखने पर घर की शुद्धि होती है और घर का माहौल भी सकारात्मक और पवित्र बनता है। यानी जवेरा का पोखरा, पुरानी मान्यता है कि दिवाली पर जवेरा का पोखरा रखने से घर में वृद्धि होती है। सभी देवी देवताओं के साथ ही माता अन्नपूर्णा की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और लक्ष्मी कृपा से घर में किसी भी तरह के अनाज की कभी भी कमी नहीं रहती। साथ में अगली चीज है स्वास्तिक। स्वास्तिक किसी पूजा में स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। स्वास्तिक की चार भुजाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं को दर्शाती है। साथ ही ये चार भुजाएं ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ आश्रम का भी प्रतीक मानी गई है। स्वास्तिक जिस घर में भी बनाया होता है वह 8 बजे तक पूजा में इस स्वास्तिक को तिलक लगाया जाता है ताकि स्वास्तिक की कृपा आपके ऊपर मिल सके और साथ ही अपने मस्तक पर भी तिलक लगाए ताकि मस्तिष्क में बुद्धि और शांति का प्रसार हो। कोई भी पूजा तिलक के बिना पूरी नहीं होती है। माथे पर जहां तिलक लगाया जाता है वहां आज्ञा चक्र होता है और स्थान पर तिलक लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। नौवीं चीज है चावल यानी कि अक्षत। पुराने समय से ही पूजा में चावल का काफी अधिक महत्व बताया गया है। चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी यही नहीं, इस वजह से चावल को पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक कार्यों में चावल का एक दाने के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। पूजा में चावल रखने के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि हमारे घर पर कोई भी काला दाग नहीं लगने देता है, यानी कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लेकिन इस विषय में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चावल आप अपने घर में पूजा के समय इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चावल को हमेशा आपको चेक कर लेना है कि वह टूटे फूटे या खंडित ना हो। साफ सुथरे चावल आपको इस्तेमाल करने चाहिए और साथ ही आपको कुछ चावलों को लाल और कुछ चावलों को पीला कर लेना चाहिए। पीला करने के लिए आप चावल में हल्दी या केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं और लाल करने के लिए आप गुलाल या फिर रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। दोस्तों दसवीं चीज है चीनी या गुड़। जी हाँ दोस्तों, यह भी दिवाली के लिए शुभ सामग्री है। लक्ष्मी पूजन के बाद यह बताया जाता है कि गुड़ या चीनी का दान करने से धन में वृद्धि होती है, घर परिवार में सुख और समृद्धि का विस्तार होता है। इस वजह से प्रसाद के रूप में बता दें कि भगवान को यह अर्पित किए जाते हैं और इसका फिर भोग लगाकर खुद भी खाया जाता है और लोगों को वितरण किया जाता है। ग्यारहवीं चीज है लाल कच्चा धागा। ये लाल और कच्चे धागे को मिला करके रुई बनाई जाती है। ये लाल कच्चा धागा मिलकर बनता है, इसलिए यह एक संगठन और शक्ति का प्रतीक है। इसे पूजा के समय कलाई पर बांधा जाता है। यदि आपको लाल और कच्चा धागा नहीं मिलता है तो आप बाजार से कलावा लेकर के आ सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस धागे को रक्षा सूत्र कहा जाता है। इसके प्रभाव से हम कई प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। बारहवीं चीज है रंगोली। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी पूजा के स्थान, प्रवेश द्वार और आंगन में रंगों से धार्मिक चिन्ह, स्वास्तिक, कुलपति आदि से रंगोली बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है
कि देवी लक्ष्मी रंगोली की ओर जल्दी से आकर्षित होती है। ये थी वैसे कुछ खास चीजें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने दिवाली की पूजा में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दिवाली की पूजा के साथ साथ दोस्तों आप इन चीजों को किसी भी शुभ कार्य में या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस शुभ कार्य में या शुभ समय पर इस्तेमाल करने से आपके घर में आपके जीवन में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है।